आज जो इशू है वो पाकिस्तान का इशू है, एक ऐसा इशू है जो बच्चों का इशू है, वालदैन का इशू है। एक्सपेक्टेड ये था कि हर साल जो फीस इंक्रीज़ होगी वो मैक्सिमम 5-10% के दरमियान रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमेर साहब या मैं या कोई बच्चा अपने स्कूल को बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने के लिए जाता है तो उस वक्त वो ये देखता है कि मैं आज कितना कमा रहा हूँ। हर उस आदमी का मसला है जिसके बच्चे हैं, और जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की फीसेस अब एक ऐसी स्टेज पे पहुँच चुकी हैं जहाँ इट इज़ अनबेरेबल। एजुकेशन अगर है तो माशरा, कौम, मुल्क ताबिंदा और पाइंदा भी होता है। 1998 में जब ये फीसेस में इजाफे शुरू हुए तो हमने एक हद बनाई कि 2500 से अबव जो चार्ज कर रहा है वो उसकी एसोसिएशन में मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑफ द डे क्या इनको प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं होता ये कभी नहीं आते। ये मेरे पास मामला मैंने लिया हुआ है तो डेफिनेटली इसको हमारी कोशिश होगी कि किसी मंजिल तक पहुँचाएं। साड़ी दुनिया में सबसे कदीम वजूद की हामिल है। ये लिबास ज्यादा से ज्यादा 5000 साल पुराना है। साड़ी देही भारत का अहम लिबास है और एशिया में खवातीन का सबसे ज्यादा पहने जाने वाला लिबास भी है। साड़ी पार्टियों और शादी ब्याह में बहुत ज्यादा पहनी जाती है। क्या है, गाना तो लगा दो। गुड मॉर्निंग। अरे मुझे नहीं आवाज आ रही, यहाँ पर तो दे दो गुड मॉर्निंग। एक बार और बोलो गुड मॉर्निंग। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पर खोल दो, अल्लाह का वास्ता। दिल से दिल अटैच किया रे, कम छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल। अगर मुझे नौकरी की शदीद ज़रूरत ना होती तो मैं सुबह सुबह डांस नहीं करता, लेकिन चूँकि मुझे नौकरी की शदीद ज़रूरत है इसलिए ज़ाहिर है डांस तो करना पड़ेगा। बट लेडीज एंड मैन, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, इट्स अ ब्यूटीफुल शो टुडे, और आज हम साड़ीज़ की बात कर रहे हैं। आप में से भी चंद लोगों ने साड़ीज़ पहनी हुई, और यहाँ तो कमाल किस्म की खवातीन कमाल किस्म की साड़ियों के साथ मौजूद है। मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी, नहीं तो मैं भी साड़ी पहन के आता, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं साड़ी नहीं पहनता हूँ। आज हम बात करेंगे साड़ी के कलर्स की, आज हम बात करेंगे, और आज एक और बात है, आज जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि चंद साड़ीज आज हम देने जा रहे हैं। एक क्या कह रहे हैं? हाँ अली कह रहे हैं कि सारी साड़ीज, जितनी साड़ीज हैं सबकी सब दे रहे हैं आज हम। बस उसके लिए हम आपसे 3-3 लाख रुपए चार्ज करेंगे। नहीं, हम जस्ट करेंगे, लेकिन कम से कम 3 साड़ीज ऐसी होंगी, 3 कॉलर्स ऐसे होंगे जिनको हम देने जाएंगे। ये 3 साड़ीज यहाँ पर हमारे पास साड़ी वाले भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि साड़ी की फॉल जो होती है उसको किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए, कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से कलर इस्तेमाल करने चाहिए, साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि साड़ी पहनने का सही तरीका है क्या। आज हम ये बात करेंगे, और आपको कितना अच्छा लग रहा होगा एक मर्द आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है, इतना अच्छा लग रहा होगा आपको। अच्छा वैसे एक बात आपने देखी, कभी आप साड़ी की दुकान पर जाएँ तो मुझे सबसे ऑकवर्ड चीज़ जो लगती है ना वो ये लगती है, एक मर्द लपेट के कहता देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे साथ बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं, और सबसे पहले हसीन सी साड़ियों में हम लोग, ये मुझे तुम बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है? अब तो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग न्यूज ऐसी है, अभी खबर मिली है कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसको मैं मुसलसल देखती रहूंगी चाहे लाइव शो होता रहे। समा की ब्रेकिंग न्यूज पहली मरतबा मैं हाँ दिखा रहा हूँ यार, पहले इन बच्चों को, इनको समझा के कोई क्यों नहीं भेजता।
कि सुबह सुबह मॉर्निंग शो के अंदर मोबाइल को रेस्ट दे दीजिए। ओके, वो जहाँ है वहीं रहेंगे। मैं अपने आप मिल जाएंगे साहिर के, मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि साड़ी पहन के तैयारी खड़ी रहो, बताता हूँ मैं कैसी लग रही है। खड़ी हो जरा सामने, आप लोग बताएगा कि मैरिज खड़ी हो, खड़ी हो। अच्छा, एक दफा साड़ी पहनने के बाद खड़ा नहीं हुआ। अच्छा फरत, मैं भी खड़ी हूँ। अरे ये लोग तालियां बजाएंगे। आज तो मेरे पसीने छूट गए। और दुनिया में एवर रेडी अंबर। डन बस, डन डन एकदम डन। अच्छा अंबर को यकीन नहीं आता, अंबर का दिल से पूरा शो मेरे से। इनको मैं लेके आऊंगा साथ। मिसेस खान आ जाइए, मुझे किसी ने जहेज नहीं दिया था, नहीं तो मैं भी अपनी जहेज की साड़ी पहन जी पिंकी। आपने अगर गब्बर को देखा साड़ी में तो वो ऐसा लगता है you know, कितने आदमी थे। अरे माइक में बोलो, आपकी मैचिंग का कलर पहन के। आज मेरा आखिरी दिन है, प्लीज। अच्छा मैं ब्लू नहीं पहनूंगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं पहनूंगा मैं ब्लू? अब ज्यादा पहनेंगे। इससे पहले आप लोग को आइडियाज ना, बच्ची है मेरी, बेटी है मेरी। माने तो सही, अब माइक में बोलूंगी। शुक्र है माने तो सही। बहुत बहुत इतनी सी है। इतनी सी। एक दिन हम लोग बिल्ली को देख रहे थे, इसको देख रहे थे, हमको लगा बिल्ली बड़ी है, ये बहुत छोटी सी है। अब इस बार पूरी हो जाएगी तो कुर्बानी करेंगे। एक टेलीफोन कॉल है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम, आपका नाम? किरण बात कर रही हूँ कराची से। लो जी आप फिर किरण से ही बात करें। अस्सलामुअलैकुम किरण। हाय कैसी हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बहुत जबरदस्त लग रही है, सबकी साड़ियाँ बेइंतहा अच्छी लग रही है। आज मैं यही अंबर के पास में गई साड़ी बनवाने, क्योंकि मेरी स्टिच नहीं थी ना, और मैं सुबह से पसीने मेरे छूट रहे, गर्मी इतनी नहीं जितनी मुझे लग रही है टेंशन। बहुत जबरदस्त लग रही है और मैं चाहूंगी कि आप मुझे साड़ी गिफ्ट दें। जी साड़ी गिफ्ट दीजिए। एक बात बताओ किरण, एक बात बताओ, एक सवाल मेरा जैन आदमी का एक सवाल है। पूछो। बात कौन कर रहे? मैं कर रहा बात। तो तुम साड़ी दो, हम किसकी हम क्यों देगा भाई। ये जहानत का इस्तेमाल करो। कौन से शो में कॉल किया आपको? हमने किरण की तरफ से साड़ी दी, किरण की तरफ से दी। अच्छा नो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप हमें कॉल करें और अगर आप कोई हमें बहुत अच्छी सी बात बताएंगे तो हम आपको एक साड़ी देने जाएंगे। ऑनेस्टली दिस इज वेरी ट्रू, आपको हम एक नहीं बल्कि तीन साड़ी जाट देने जा रहे हैं। तो कोई अच्छी सी बात आप हमको बताएं, कोई अच्छी सी बात शेयर करें एंड ऑफ कोर्स विन अ साड़ी फ्रॉम अस। और यहाँ पर ये जो साहब बैठे हैं इनसे भी हम बात करेंगे। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा एक कॉल मैं ले लूँ फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ मैं साहिर भाई, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपको इन साड़ीज में से सबसे ज्यादा पसंद कौन सी आ रही है? मुझे तो सारी पसंद है, आप सारी मुझे गिफ्ट कर दें। जब आप ख्वातीन से बात करते हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? दिल पे गुजरती है कि ये मतलब साड़ियाँ जो लेके देती है, मतलब रेगुलर मतलब परचेज करते हैं ख्वातीन से, हमारा काम चल रहा है। ठीक है ना ख्वातीन? तो वो कभी कम कराती है पैसे? बहुत ज़्यादा। अब फर्ज करें कि मैं एक खातून हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब ये साड़ी कितने की, तो आप मुझे क्या मर्दों और ख्वातीन को अलग अलग रेट्स बताते हैं? बिल्कुल 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 बताते हैं। मैं खातून हूँ पहले, तो मुझे बताएं ये साड़ी कितने की भाई? ये साड़ी आपको पड़ेगी, कितने झूठे आदमी हो ना तुम, 8000। पीछे की दुकान पे 3000 रुपए की मिल रही थी। चीज में फर्क होता है? चीज में क्या फर्क होता है? वही चीज है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्वालिटी का मटेरियल का चीज का फर्क होता है। तुम्हारा भाई वहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा हुआ? नहीं ऐसा। अच्छा, और अगर मैं मर्द हूँ और मैं पूछूँ ये भाई ये साड़ी कितने की? साहिल भाई ये आपके लिए फाइनल होगी 4000। इमेजिन करें, माय गॉड, इमेजिन करें, एक और टेलीफोन कॉल। अच्छा, तुमको खुदा का वास्ता तुम माइक में बात कर लो, नहीं जाती आवाज, इतना दूर रह के माइक नहीं होता, यहाँ होता माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए प्लीज। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई कैसी हैं आप? पता नहीं जी, आप बताएं कैसी हैं? आज आपका शो बहुत अच्छा है। अच्छा, आज मुझे भी आपको सारी गिफ्ट चाहिए। हाँ बहन, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, फिक्र मैं करो तुम्हें सारी जरूर गिफ्ट करूंगी मैं आज। फिक्र क्यों करती हो? नहीं, जब आप औरत बने तो अल्लाह जानता है 6 महीने के बाद मैं अपना नाम तबस्सुम रखूंगी। भाई माफ कर दे यार, something new भी नहीं भाई। हेलो हेलो, ओ भाई नहीं, कोई बाहर में रेटिंग भाई, ऐसी रेटिंग नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम अ मैन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? हां जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बहुत आपकी तरह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत इंटेलिजेंट। यस यस। अच्छा जी, आप बात कीजिए, हमारे साथ महविश भी हैं, हमारे साथ फरद भी हैं, हमारे साथ किरण भी हैं, हमारे साथ आपके सब मेहमानों को सुबह की किरण के साथ बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। और आपका प्रोग्राम साहिब भाई बहुत अच्छा था, मैं बहुत मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल ईमानदारी से कह रही हूँ, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा आपकी तरह होता है, इतने इंटेलिजेंट है आप, अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियत दी है। मैं आपकी गुफ्तगू सुनती हूँ, सिर्फ एक बात कहती हूँ आपको सुनते हुए, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी कॉल को ले रहे हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एंड में किनको देनी है 3 साड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ लाहौर से, कैसे हैं साहिब भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? प्लीज मुझे छोड़िए, आप इनसे बात कीजिए। साहिब भाई मैं सबसे पहले तो उस शो की भी तारीफ कर रही हूँ जिसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा हाइपर हो गए थे, लेकिन आपके लिए उस शो के हवाले से जिसमें बात सुने बगैर फोन कर देती हैं और समझती नहीं है कि पहले शो को सुनो तो सही आप लोग, यार ये फजूल बात करना अच्छी बात थी। इसी बात के ऊपर आपसे बात करती हूँ कि गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। तो हकीकत बात है ये मेरे लिए, तो आप खैर ये अच्छी बहुत, मुझे आपकी उस दिन की बात बहुत अच्छी लगी और साहिब भाई आज का शो बहुत अच्छा है। गिफ्ट नसीब में होता है तो मिल जाता है, कोई मसला नहीं है, मांगने से कुछ नहीं मिलने, कहते हैं मांग आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। आप यकीन तो माने, यकीन माने आप इस तरह से बातें कर रही है ना तो मेरे जहन में सिर्फ एक जुमला आ रहा है, रुलाएगा क्या? मैं सच बता रहा हूँ, कमाल है, ऑसम ऑसम। अच्छा, पगली रुलाएगी माइक, अब वो पगली रुलाएगी क्या? माइक लगा हुआ है जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि दिस इज योर फर्स्ट टाइम दैट यू हैव वोन साड़ी? नहीं 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 साहिर, मुझे इतना शौक था साड़ी पहनने का कि जब मैं बहुत अच्छा, थोड़ा मुझे डिसबैलेंस लग रहा है, इधर आ सकती हैं प्लीज? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक तरफ बहुत सारे लोग हैं और एक तरफ दो लोग हैं। Isolated. I'm sorry, तीन. ये तरीका था वॉक कराने का। साहिब वैसे बहुत मुश्किल होता है एक औरत को साड़ी में वॉक करवाना, तो आपने ये टॉर्चर किया। आज वही मुश्किलात को खत्म करना है, सिखाना है कैसे वॉक करना है। हम तो बरसों से वॉक कर रहे हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, ये होता है प्रैक्टिस
चार कुर्ते में होगी। प्यारे बच्चों अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं तो आज हम सब मिलके आपको ये बताएंगे कि अगर आप खुदा ना खास्ता साड़ी पहन लें तो आप चल सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं चल सकते। बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने साड़ी आज पहली पहली दफा नहीं पहनी। मैं बहुत छोटी थी तब भी मैंने पहन ली थी, और हमारे कल्चर में यह है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है उसके बाद वो पहनती है, लेकिन मैंने शादी से पहले ही पहन ली थी। शादी से पहले ही होता है। शादी के बाद चूंकि उनको इतनी साड़ियाँ मिल गई होती हैं तो वो उनका शौक साड़ी के बाद शादी के बाद खत्म हो जाता है। ये शौक साड़ियों का शादी से पहले तक ज्यादा रहता है। आप क्या कहती हैं फरज, शादियों मतलब साड़ी का शौक जो होता है वो पहले होता है शादी से? हाँ, मुझे तो शुरू से रहा। आपको शुरू से रहा? अंबर किरण, शादी से पहले ज़्यादा पहनती क्योंकि कॉलेज में कभी फेयरवेल होता है तो दे लुक फॉरवर्ड कि कोई फेयरवेल आए या इस तरह का कोई इवेंट आए तो हम साड़ी पहनेंगे। रियली? ओके, व्हाट अबाउट यू? आजकल की जो लड़कियां वो शादी से पहले काफ़ी उनमें है कि वो पहनती हैं साड़ी। मैंने कभी भी नहीं पहनी शादी के बाद। आजकल की नहीं हो ना? मैं आजकल की नहीं। अच्छा, आपने हमेशा से पहनी? नहीं, मैंने शादी के बाद शुरू की है साड़ी पहननी, क्योंकि शायद पूरे घर में मेरी वालिदा साड़ी पहनती थी। ओके। मेरी ससुराल में सब लोग साड़ी पहनते थे, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे शौहर को साड़ी बहुत पसंद है। ओके ओके। सो फ्रॉम डे वन मैंने साड़ी ही पहनी, साड़ी में ज़िंदगी गुजारी, बच्चे बड़े भी हो गए, उनको पाल के खड़ा भी कर दिया, और अभी भी आप लोगों के सामने बैठी हूँ साड़ी ही पहन रखी है। आई थिंक साड़ी जो है ना कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। क्या नहीं होते? आउटडेटेड नहीं होते, इसका फैशन हमेशा रहता, बहुत क्लासी रहता। नहीं, असल में नहीं, कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम सारा साड़ी के साथ आजकल ये है कि लोग समझते हैं कि ये एक ड्रेसी किस्म का पहनावा है, शादी ब्याह में पहनना चाहिए। अच्छा, इंडिया में तो बहुत नॉर्मल है ना, बहुत अच्छा। कुछ घरों के अंदर यहाँ भी गुजरातीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा साड़ीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बंगालीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा साड़ीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में भी इवन। व्हाट पिंकी, आपने इससे पहले पहनी? जी, मैं 6 साल की थी जब मैंने पहली बार साड़ी पहनी। प्रॉपर साड़ी पहनी या खाली दुपट्टे को बांध के शौक पूरा किया? बंगाल में कढ़ाई वाली और वो पहनी। अच्छा, आज तुम हमें सुना क्या रही हो? आज तुम हमें सुना क्या रही हो? छोड़ सारी बातें, इस वक्त क्या सुना रही? मैं क्या मतलब बताऊँ, आप मुझे बताइए। सुना दो गाना ही सुनाऊंगी। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, साड़ी के हवाले से नहीं, वी जस्ट वांट टू, आज सुबह सुबह का वक्त है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए चाय भी आ जाएगी, तो वी जस्ट वांट टू एंजॉय। मैडम नूरजहां का सॉन्ग सुनाऊंगी, प्लीज। देयर यू गो। और अगर मैडम की तरह सुना दो तो कमाल ही है, यूं करके जो क्या यार, वैसे उनकी तरह कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। उठता दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर छना नहीं उछलदा। उठता दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर छना नहीं उछलदा। आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा। सानू प्यार दे फुलेखे विच पाके, वे सानू प्यार दे फुलेखे विच पाके, ते होरे माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वे सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माई किथे रह गया। थक गया रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के, मैं सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माई किथे रह गया। साड़ी अखां विचों निंदरा उड़ा के, वे साड़ी अखां विचों निंदरा उड़ा के, ते होरे माई किथे रह गया। एक
छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम साड़ीज़ के बारे में मज़ीद कुछ बात करेंगे। साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप साड़ी जीत कैसे सकते हैं। आज हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी साड़ीज़ हैं जिनमें से तीन साड़ीज़ हम आज देने जा रहे हैं, आज जीत देने जा रहे हैं। कैसे जीत सकते हैं ये आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद, आपने कहीं जाना नहीं है। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग। और बनारसी पे भी हल्का काम हुआ हो तो अच्छी लगेगी बनारसी भी। बनारसी साड़ी जो है ज़्यादा फेमस है। साड़ी में तो खैर ब्लैक कलर में तो हर वुमेन को ये पसंद होगी, और बनारसी हो चाहे सिंपल हो, लेकिन साड़ी तो सब पे ही सूट करती है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है साड़ी में, बंदा अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है, और पहननी चाहिए साड़ियाँ। ब्लैक कलर की नेट की होनी चाहिए साड़ी, नेट की ही अच्छी लगती हैं। अब तो बनारसी का ट्रेंड है ही नहीं इतना ज़्यादा। साड़ी ये है कि फोर एवर हमेशा पहनने के लिए बेस्ट है, मतलब आउट फैशन नहीं होता है। जब चाहें आप उनको पहन लें, सूट बना लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन मतलब फैशन पुराना नहीं होता उनका। ये जरा गाना लगाइए पीछे से और गाने को जरा बढ़ा दीजिए, पता चल रहा है थोड़ी एनर्जी तो मिले। देखना पड़ता है ना कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, क्योंकि ये तो मना कर ही देते भाई। एक बात है यार, मैं जा रहा हूँ, आप लोग शो करें। आज मेरे को बैशिंग कर देने सुबह सुबह। अच्छा ये बताइए महविश, आपने कभी खबरें साड़ी में पढ़ी, मतलब ईद पे इस पे? नहीं, और वो फॉर्मेट नहीं होता हमारे यहाँ, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है गेस्ट स्क्रीन really? पे। हाँ, फॉर्मल अगर अटायर हो तो उसके अंदर साड़ी को एज अ फॉर्मल अटायर पे तो ईद पे ऑन स्क्रीन कभी। हाँ, ईद भी शोज पे एंटरटेनमेंट शोज के लिए हो सकता है, शोज के लिए। लेकिन मैंने थिएटर प्लेस के लिए काफी पहनी, और एक थिएटर प्ले ऐसा था उसके अंदर मुझे 5 मिनट के अंदर 7 साड़ियाँ चेंज करनी थी, क्योंकि वो 7 कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए थे उसके अंदर, और एक आता था, दूसरी आती थी, तीसरी आती थी, तो वो फॉल लगी हुई साड़ियाँ मैंने कुछ सेकेंड्स में पहन के और अपीयरेंस दी है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली फॉल नहीं बना सकते इतनी सी देर में, लेकिन फॉल बनानी मुझे आती है। लेकिन मैं बता रही थी उस 5 मिनट में मैंने 7 साड़ियाँ चेंज की, बाम इंद्रजीत नाम का गई। क्या बात है भाजप। एक बार मैं एक प्ले कर रहा था, एंड उसमें एक कैरेक्टर था जिसके अंदर मुझे साड़ी पहननी थी और हील्स पहननी थी, और जस्ट माय गॉड दैट डे आई रियलाइज कि ख्वातीन को मुश्किल कितनी होती है हील पहनने में। एंड इट वॉज आउटडोर्स एंड इट वॉज वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड, एंड इट वॉज हॉरेबल। It was I could not move. Honestly, आप लोग जिस तरह से करते हो, hats off to you. अच्छा, ये practice हो जाती है ना? I think. Yeah, of course, of course. ही जहाँ रापा जैसे शुरू से साड़ी में काम भी करना हम लोग नहीं करते, हमें used to नहीं है। सही बात। कभी कभार पहने और फिर mentally में तरिया साड़ी है, थोड़े से हमें posture भी सीधा रखना पड़ता है, like आप you easy हो के बैठी सकती है अभी भी। साड़ी के अंदर एक मखसूस posture होता है। जी बिल्कुल। I think posture साड़ी पहना है वैसे भी आपको बैठने ऐसे चाहिए upright. Stomach tight end, आपका ढीलापन आता है हमेशा ऐसे। मैंने इतने साल जब भी शो किया मैं हमेशा ऐसे ही बैठती हूँ। यूं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आपने टेलीफोन कॉल, एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, नहीं बैठेगा बस सही ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सब ख्वातीन जितनी भी बैठी हैं, हर एज की बहुत ही नाइस लग रही हैं। शी इज वेरी नाइस। बहुत प्यारा प्रोग्राम आप करते हो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छा कौन लग रहा है आपको? सब अच्छे लग रहे हैं। सब नहीं नहीं, साड़ी के अंदर, मैं साड़ी में नहीं हूँ। हर ब्लैक रेड मेरी पसंदीदा कलर है। आपका फेवरेट कलर कौन सा साड़ी के अंदर? वो आप ही अच्छी लग रही हैं उन्हें। ये अंबर अच्छी लग रही है, किरण अच्छी लग रही है, ये तकरीबन सब अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। चलिए आपका हर प्रोग्राम में बड़ी, मैं खुद सुपरवाइजर हूँ एजुकेशन में।
आप खुद सुपरवाइजर एजुकेशन के अंदर, थैंक यू जी सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमने एजुकेशन पे एक शो किया था, उस सिलसिले में एक बात करूंगा मैं, और एक बात और भी करना है आज, अभी तक मेरा ख्याल है अपलोड हो गया होगा, मेरी फेसबुक जाके ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ऑनेस्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आई फील वेरी पैशनेट अबाउट, एंड चूँकि पठान खून है इसलिए सीधी सीधी बात करता हूँ और बोल देता हूँ, तो फेसबुक पर जाके देखिएगा, आपने शायद मेरा ऐसा मूड इससे पहले नहीं देखा होगा। आई एम वेरी एंग्री, वेरी वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। आप You've got no idea, absolutely, absolutely no idea how angry I am. But ये बताएं तो सहर किस बात पे? ये आपको पता होना चाहिए। I'm sorry, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको पता हो? नहीं जी, ये फीस के बारे में? नहीं जी, फीस के बारे में तो है ही, लेकिन एक और केस है चार्ली हेब्डो का, और वो I don't want to talk about चार्ली हेब्डो, लेकिन एक बात जरूर है, honestly, what were you thinking? It is ridiculous. This is called terrorism. ये terrorism है, ये terrorism है. You are actually targeting one sect, one specific religion, one kind of people, and that's it. If anyone else does it, koi masla nahi hai, puri duniya pe tabahi aa jaye, koi problem nahi hai, aap uske liye nahi likhte, lekin when a Muslim does something, aur aapne ek aise bacche ke liye, he was 3 years old, 3 saal ka tha wo, total 3 years old, what do you think, it's a free meal for you? It's a joke for you? This is what you call journalism? I don't want to talk about it. It's just, you know, and everyone should know about it. They should not be asking me. We should be speaking about this. You should not be asking me ki kya hua hai, tum naraaz kyun ho? Main naraaz isliye hu ki aapne ek sect ko target kiya hai. Main isliye naraaz hu ki hum apne liye agar ab bhi nahi bolenge to kabhi nahi bolenge. Aaj bhi hum log gungon ki tarah khamosh rahe. Because hum nahi bol sakte. हम ये बातें कर सकते हैं कि इंडिया ने फिल्म क्यों नहीं लगाई, लेकिन हम ये बात नहीं कर सकते कि ऐलान कुर्दी के साथ क्या हुआ है? हम ये बात नहीं कर सकते चार्ली हेब्डो ने ज्यादती की है? दिस इज व्हाट आई, नहीं नहीं ताली वाली मत बजे, मत बजे, मत बजे, ताली की क्या जरूरत है? ऑनेस्टली अगर इस पूरी बात से सिर्फ आप ये एक काम कीजिए, प्लीज गो ऑन फेसबुक, राइट अबाउट चार्ली हेब्डो, दिस थिंग अबाउट ऐलान कुर्दी, तस्वीरें लगाई हुई हैं, 3 साल का बच्चा है, कि इट्स आपने उन महाजरीन के साथ मजाक किया है जिनकी जिंदगी उनके अपने मुल्क में मुश्किल हो गई थी, आपने उस जज्बात के साथ, उन लोगों के जज्बात के साथ मजाक किया है। लुक एट दोज जर्मन पीपल, हैट्स ऑफ टू देम, नॉर्मल पीपल केम टू द एयरपोर्ट, आई सॉ अ लिटिल किड थ्रोइंग अ कोक कैन टू देम सो दैट दे कुड ड्रिंक, फिर come on man, this is not journalism, and honestly I ask the French government to take action against it. I ask the French prime minister, I ask the French president, please do take an action against it. This is not journalism, this is terrorism. You're targeting one specific sect, that's what you're doing. Anyway, go on my Facebook, see maine iske bare mein kuch na kuch zarur kaha hai. So just see that, just see that. And अगर आप लोग कर सकते हैं तो अपना रिकॉर्ड करें फेसबुक पे, आप लोग और भी तो बड़े मैसेजेस करते हैं ना, एक दूसरे को बताते रहते हैं कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, भेजते रहते हैं चीज़ें कि जी यूँ हो गया, यहाँ से ये हुआ था, वहाँ से वो हुआ था, तो आज इसके बारे में बात करें ताकि शोर उठे, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम सिर्फ बातें करने वाले लोग नहीं हैं, हम कुछ एक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है आप नहीं जा सकते, फ्रांस नहीं जा सकते, आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, बोल तो सकते हैं ना, यहाँ पर रह के बोल तो सकते हैं, तो प्लीज़ बोलें भी तो सही ना। करेक्ट, अगर आप बोलेंगे भी नहीं तो इन लोगों को कभी एहसास नहीं होगा। जर्नलिज्म के नाम पे पहले तो ही नामेज खाके आपने देखे थे, अब जर्नलिज्म के नाम पे आपने मुसलमानों के खिलाफ टारगेट होता हुआ, और कौन नहीं जानता फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कौन नहीं जानता फ्रेंच की हिस्ट्री के बारे में? यू वॉन्ट मी टू राइट अबाउट इट, आई विल राइट अबाउट इट। अगर मैं इस रेसिज्म में इन्वॉल्व हो जाऊं तो मैं बहुत कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिख सकता हूँ, फ्रेंच लोगों के बारे में लिख सकता हूँ, जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी उसके बारे में लिख सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू सेग्रीगेट पीपल, माई हार्ट डज नॉट टेल मी टू सेग्रीगेट पीपल, माई हार्ट टेल्स मी दैट वी आर इक्वल, वी आर ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस डू नॉट डिफरेंशिएट। सो चार्ली हेब्डो, शेम ऑन यू, ऑनेस्टली शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। That's not journalism. I'm sorry. That's not journalism. Taliyan wali bata raha hai. Pani phone call lete hain. Pani. Nahi yaar, galat hai. Nahi, it's true. Galat hai. Lagti hai na. Galat hai yaar. Wo bachcha 3 saal ka. Bachcha yaar 3 saal ka.
और उस बच्चे ने आपने उस बाप को रोते हुए देखा है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ मैं तो नहीं खा सकता खाना, मैं तो उस तस्वीर को देख के रोने लगती फिर और आप उस पर लिख रहे हैं कि फ्री मील, क्या यार ridiculous. और आप उस पर बकवास करते हैं कि ये आज़ादी सहाफत है, वाह वाह बहुत अच्छी आज़ादी सहाफत है, हाँ वी नो दैट यू हेट अस लेकिन नो स्टिल वी आर स्टिल ट्राइंग टू प्रमोट लव, वी आर स्टिल ट्राइंग टू प्रमोट लव, वी स्टिल आर. और एक मुझे कंट्री बता दें जहाँ मुसलमानों ने डायरेक्ट हमला किया. हैरत अंगेज बात ये है, यू कॉल मुस्लिम टेररिस्ट, दैट्स व्हाट यू कॉल, इवन दो वी डोंट इन्वेड कंट्रीज, कंट्रीज इन्वेड अस, वेदर इट्स अफगानिस्तान, वेदर इट्स इराक, वेदर इट्स ईरान, वेदर इट्स शाम, वेदर इट्स व्हेरेवर, एंड अगेन नेवर माइंड. एक कॉल ले लेते हैं, छोड़ें इस बात को, लाइट करते हैं, आप लोग सारी इसके अंदर बहुत अच्छे लग रहे हैं इस बारे में, लेकिन बस ये याद रखिए कि इन सारी खुशियों के अंदर अपनी आइडेंटिटी को मत भूलिए, और आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उससे बाखबर रहिए, आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उससे बाखबर रहिए. आपको एहसास होना चाहिए कि आपको अपने हक के लिए खड़ा होना है. दुनिया बहुत तंग होती जा रही है, ये जितनी ग्लोबल हो रही है ना उतनी ज़्यादा तंग हो रही है, और माँ को एक बहन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसको आगे आके बोलना है, उसको आगे. जब औरत माशरा चेंज हो जाता है, अगर औरत चेंज लाती है, अगर औरत चेंज ना लाए तो फिर माशरा चेंज नहीं हो सकता. एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बिल्कुल जबरदस्त आपके शो जा रहे. और मुझे तो पहले आपसे एक बात करनी कि आपने 2 दिन पहले एक शो किया था जिसमें आपने वजन कम करने का और एक फेस का मास्क बताया था, अगर वो रिपीट कर दे तो अच्छा है. और आज किरण और अंबर की साड़ियां जबरदस्त लग रही है, और मैं चाह रही कि मुझे एक साड़ी तो मिलने का मेरा भी हक होता है. देखिए मिसेस अमीन, मैं तो साड़ी देने वाला नहीं हूँ, इनसे पूछिए. मैं आपने अंबर और किरण का नाम लिया, इन दोनों से पूछिए कि कौन आपको साड़ी देने वाली है. जी, हम दोनों गए तो 3 है देने के लिए. और आपने समा पे साहिर लोधी के शो में कॉल किया तो ऐसे कैसे आपको ना हो सकता. हवाले से आपको मैं 30% डिस्काउंट दे सकती हूँ, और साथ में कोई भी सर्विस फ्री भी. ओह वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू. एक और टेलीफोन कॉल है, मैं भी छाप लीजिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसा है बेटा, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए. मैं शो में भी देख रही थी, साहिर बेटे को बहुत गुस्सा आया था. हकीकत बात है कि जिसको लगती है उसी को गुस्सा आता है. सुनने वाले एक मिनट के लिए शो में देखेंगे और उसके बाद शो जब खत्म होगा भूल जाएंगे, लेकिन ये साहिर भाई का हौसला है, ये कभी भी नहीं भूल सकते. हमारा तो ये कहना है कि जिंदगी में हर हाल में अल्लाह ताला कहता है इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. हमेशा ये सोच कर जिंदगी बंदा गुजारता है कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर मेरा रब मेरे माल के मुताबिक देता तो आज मेरे पास कुछ भी ना होता. क्या बात है, क्या बात है. आपकी इस बात पे तो मैं आपको साड़ी दे रहा हूँ, इस बात पे, बिकॉज ये बात सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको आपके अमल के मुताबिक मिलता तो फिर कुछ भी ना मिलता, ऑनेस्टली कुछ नहीं होता. आपको मैं वाकई साड़ी दे रहा हूँ, ये आपकी सबसे अच्छी बात है. इस पे यहाँ पर कॉल खत्म करते हैं. बहुत सारी तालियां इनके लिए, बहुत सारी. और दूसरी बात साहिर भाई, ये मैंने नोट ये किया है और मैंने ये देखा है, जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आती हूँ तो आप जो लेटेस्ट इश्यूज हैं हम मुसलमानों के, या लेटेस्ट जो आजकल हमारे साथ हो रहा है, आप उसको ज़रूर हाईलाइट करते हैं और लोगों में अवेयरनेस लाते हैं कि देखो क्या हो रहा है, उठो जागो और देखो इर्द गिर्द, देखो कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है. आई होप कि मेरी आवाज़ जाती हो. अच्छा, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं माहौल को. और अच्छा फरहत, ये बताइए आप किसी की फरमाइश पे साड़ियाँ पहनती हैं? नहीं, मुझे खुश शौक है पहनने का. अच्छा, खुश शौक है. आप में से कौन है जो किसी की फरमाइश पे पहनता था? महविश, डज योर हस्बैंड लाइक यू वेयरिंग साड़ी? जी बिल्कुल. और वैसे भी फैमिली में भी जब मैं पहन के जाती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छी लगती है, तो तुम पहना करो. क्या बात है. मिसेस खान, आप? बेटा मैं तो बस ओकेजंस पर पहनती हूँ, दैट्स इट. दैट्स इट, दैट्स इट. वैसे सलवार कमीज. अच्छा पिंकी जी, आप? मैं नहीं पहनती साड़ी, बिल्कुल नहीं पहनती. कोई कहे भी तो मैं नहीं पहनती. तो आपके हस्बैंड अगर आपको बोलेंगे कि प्लीज पहन ले, अच्छी लग रही है. अच्छा, वालों ने कहा. अम्मा, व्हाट अबाउट यू? मैं शौक में पहनती हूँ, और बल्कि मैंने सोचा यही था कि अब क्योंकि इतनी प्रॉब्लम रहती है कि इतनी जगह जाना होता है वेडिंग्स पे,
तो साड़ियाँ लो आराम से बांधो, इजी रहे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आजकल कोई कलर, कोई स्पेसिफिक कलर्स होता है साड़ीज के जो इन होते हैं? आई थिंक एनी कलर जो ब्राइट हो और बेज लाइट कलर्स भी साड़ी का, मैं आई ऑलवेज थिंक जब भी पहनो तो उसको बहुत तरीके से पहनना चाहिए। बट आई सिंपली बिलीव के भाई एक तो ब्लाउज बहुत अच्छा सिला हुआ होना चाहिए, जैसे हम दुपट्टा शलवार कमीज में दुपट्टा ही ठीक करते रहते हैं, साड़ी में पूरा लिपट जाती है। एक बात साड़ी के बारे में ये करूँ कि ये नहायत बेहुदा ड्रेस भी हो सकता है और नहायत डिसेंट ड्रेस भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। साड़ी, साड़ी जो एक ऐसा है, अच्छा अव्वल तो ये कि साड़ी को लोगों ने इतना हवा बना रखा है और ये कह दिया जाता है कि सिर्फ हिंदुस्तान का लिबास है। बेशक हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पर ये साड़ी पहनी जाती है, लेकिन ये एशिया का, हमारे इस तरफ का, बल्कि साउथ एशिया का समझ लो, वहाँ का लिबास है, क्योंकि ये साड़ी श्रीलंका में भी पहनी जाती है, बंगाल में भी पहनी जाती है, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से हिजरत करके नहीं भी आए, वो भी बहुत से लोग साड़ियाँ पहनते हैं। इंडोनेशिया आप चले जाइए, वहाँ पर भी किसी न किसी तरीके से वो एक कपड़ा ऊपर इस तरह से मलेशिया में पहनी जाती है। और साड़ी जो है सबसे ज़्यादा कदीम लिबास है, जब मेरे ख्याल से इंसान ने अब तन को ढकना सीखा और उसको कहीं से कभी कपड़ा मैसर आ गया तो उसने उसको साड़ी ही की तरह। भाई अब से थोड़ी देर, अब से थोड़ी देर के बाद हमारे जो गेस्ट हैं ये आपको दिखाएंगे कि साड़ी को कैरी कैसे किया जाता है, अगर या और बांधा जाता है या बांधा जाता है, कैरी कैसे किया जाता है, आप लोग बताइएगा आपकी ये लर्निंग है। आपको पता चलेगा कि जब आप साड़ी पहनेंगी, हो सकता है आप कोई ओकेजन ऐसा आने वाला हो जहां आप ये सोचें कि आपको साड़ी पहननी है। अच्छा फिर साड़ी के लिए क्या किसी स्पेसिफिक वेट का होना बहुत ज़रूरी है? वेट को छुपा देती है, जाहिर कर देती है? मेरे ख्याल में तो छुपा देती है, छुपा देती है। आई थिंक हर किस्म का वेट कैरी कर सकता है, उसका छुपा देती है, जिसको दिखाना हो वो खुद दिखाती है। उनके गले देखे पूरे और उनका पीछे एक स्ट्रिप होता है और बाजू देखे है ही नहीं, तो फिर वो तो आपको सारा, मुझे वो मूवी बता दीजिएगा कौन सी मूवी, हर ड्रामा उनके आप गले देखे पूरे और बोल्ड किस्म की साड़ियां पहनते हैं, बट डोरी स्टाइल है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं साड़ी के, तो हर किस्म के इंडियन पुरानी उसमें तो ब्लाउज वाली साड़ियां भी हैं, नहीं ब्लाउज वाली साड़ियां भी हैं। आई सिंपली बिलीव जब साड़ी पहनो, मतलब मेरा अपना कि मैं फ्लैट्स में नहीं पहन सकती, मुझे हील्स चाहिए। एक एकदम से चाल आ जाती है, आपकी वॉक चेंज हो जाती है, पेंसिल हील्स है, द वे यू कैरी और एलिगेंट लुक आ जाती है। तो किसी भी ड्रेस में आप पहने तो अलग, साड़ी में मतलब हम लोग अच्छा यहाँ जो सबसे ज्यादा सीनियर है साड़ी के मामले में वो आप, तो माशाल्लाह आप, आपको हील ज्यादा पसंद है साड़ी पे या क्या? थोड़ी सी हील अच्छी मालूम होती है, बहुत ज्यादा हील जो है उसमें आदमी लड़खड़ा भी जाता है और जो पीछे से पल्ला होता है वो कभी उठ जाता है, हमेशा उठ जाता है, वो गिर भी जाते हैं। वैसे ज्यादातर खुस्सा पहना जाता है ना साड़ी में, नहीं किसने पहन दिया? मैंने लोगों को देखा है प्लेन साड़ी पहने। एक बात है, तुम ऐसे लोगों को क्यों देखती हो जो खुस्सा पहनते हैं? चप्पल वो देखें, चप्पल चप्पल भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरी बात सुनो, देखो जहाँ पर चप्पल पहनी जाती है वो खासतौर से बंगाल में या फिर सेंट्रल इंडिया के अंदर, वहाँ पे चप्पल पहनते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉटन की साड़ी बहुत पहनते हैं। हम लोग बड़े मजे की बात करें, आप लोगों ने चाय वाय बना ली होगी घर पे, एक गाना भी सुनी लेते हैं। आप हैं जरा प्लीज हो जाए यहीं पर बैठे बैठे और सब लोग ताली शाली बजानी है फुल मूड के अंदर।
मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ए मेरा दिल प्यार का दीवाना, तालियां जोर से। एक तूफान है, ये बात आने को है, वो मंजिल जिसका मुझे अरमां है। पल पल एक हलचल, दिल में एक तूफान है, आने को है, वो मंजिल जिसका मुझे अरमां है। भूल जाना मुझे से बजाइए जोर से। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ, वाह वाह वाह, तालियां होनी चाहिए सही में। One, two, three, four. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अच्छा जी, अगर आपको साड़ी जीतनी है, वली मेरा माइक बढ़ाए, साड़ी अगर आपको जीतनी है तो आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, और थोड़ा सा म्यूजिक भी बढ़ा दीजिए। आप कॉल करेंगे, सबसे अच्छी बात करने वाले को हम देने जाएंगे एक अदद साड़ी। Here we go. दे दे तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे, हाथों में हाथ सही, ओ मेरे साथ सही, फिर भी तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू तो मेरी नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुझ
मुझको पहचानती है, मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है। सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। अच्छा अब अंबर को हम जहमत देते हैं, अब जनाब अंबर आप बताएंगे हमें कि सारी को कैरी कैसे किया जाता है। और हमने गाना वही लगाना, सारी के फॉल सा कभी नाच किया रे कभी तोड़ दिया रे कभी कैच किया रे। आइए जी आइए, अरे ऐसे कैच करके भी तो अपना दिखा रहे हो ऐसे। चलिए हाँ जी आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बताओ ना। हाँ प्लीज बताइए। ऑब्वियसली वो मैं आपको बताऊं कि कैसे लपेटना है क्या है, कुछ टिप्स बताऊं या खाली चल के बताऊं? आप चल के भी आप ऐसा होता आप चल के भी बताइए और टिप्स भी बताइए। लूज रखते हैं ये ठीक है, पल्लू हमेशा लंबा होना चाहिए थोड़ा सा कि लटके ना, और बाजों का जो है आपने इसको यहाँ से ही टाइट होता है ताकि आपका जो है पल्लू यहाँ पर आपने पकड़ा यहाँ पर पिनअप कर लिया और हील्स के साथ। एंड अब गाना लगाया ना तो वॉक करके दिखाऊं। क्या बात है अंबर, बहुत नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और अब महवेश आप बताइए आप साड़ी को कैसे कैरी करती हैं, सिंस यू सेड के आपने बचपन से पहनी है। पहनी तो है बट अब मैं क्या बताऊँ, पाँच मिनट में सात साड़ियाँ चेंज की है। ये देखिए ये प्रॉब्लम होती है, आप खड़े हुए तो आपको साड़ी पकड़ के खड़े होना है, उसके अलावा जिस तरह अंबर ने आपको बताया कि पल्लू लंबा होना चाहिए लेकिन मेरी साड़ी का पल्लू लंबा नहीं है तो मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि साड़ी का पल्लू लंबा क्यों नहीं है। और साथ साथ जब बांधते हैं तो यूजली हील पहन के बांधते हैं तो के हिसाब से जो है वो करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से मैंने फिट किया है वो इसलिए कि इधर से लूज करेंगे आप तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने अभी क्या कहा और आप लोग किस बात पे हंसे मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपको नहीं पता अच्छा एक्सक्यूज मी साहिल, आप उधर एक बच्ची ने बड़ी अच्छी रेड साड़ी पहनी है उसको इधर बुलाए और उससे जरा टिप्स पूछे उसकी अगर ठीक करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसकी जरा ठीक रेड साड़ी यही ना। हाँ तो आइए ना आप, इसकी साड़ी बड़ी बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। आइए दो ने पहनी है बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नाहिद। आपने ये जो साड़ी पहनी है ये आज आपने हमारे लिए स्पेशल पहनी है जी, जी। तो ये ये अम्मी ने पहनाई है, जरा घूम के दिखाए। जाओ अम्मी को बुला के लाओ, जाकर अम्मी को बुला के लाओ। अच्छा एक चीज उनको हेलो कर दें, ऐसे हेलो कर दें।
भाई आपने पूछा था कैरी, कैरी एक चीज है, एक तो ब्लाउज बस आपका थोड़ा सा लूज है या अपना नहीं होगा, है ना? जी उनको दिखाइए सामने, जी दिखाइए घूम के। हाँ फॉल इसकी परफेक्ट है। अच्छा आप साड़ी बांध सकते हैं, बांध सकते हैं आप साड़ी? वेरी गुड फॉल। इधर आए, इधर आए। ये बंधी बहुत अच्छी है। आप जरा बैठिएगा, बैठिएगा। थैंक यू। ये बंधी बहुत बना के दिए साड़ी। अच्छा कुछ साड़ियां आप बैठ जाइए। नहीं थैंक यू, थैंक यू बहुत ज्यादा। ये थे वो भाई साहब जिनका सुबह सुबह जिक्र हो रहा है। अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए आप साड़ी बांध सकते हैं? जी जी बिल्कुल। थोड़ी सी जरा टिप बताइए खवातीन को साड़ी बांधने की, जरा थोड़ा सा बांध के दिखाइए। वो ब्लू और पिंक वाली बहुत अच्छी है, वो दिखाएं वो। चलो यही बात है। हाँ जी अच्छी है। अच्छा बनारसी कैरी करना जरा मुश्किल होता है। अच्छा बनारसी, लेकिन ये शिफॉन बनारसी है, उसमें मोटा लगता है। अच्छा प्योर शिफॉन पे ही आते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये फूलती नहीं है, सिल्क वगैरह जो होती है ना फूलती है पहनने, फूलेगी नहीं, वो आधी पूफी सी हो जाती है एकदम मोटी मोटी, और गेंजा भी फूल जाती है उसमें, आप मोटे लगते हैं। इस तरीके से फॉल बनाया जाता है। ये मैं बना सकता हूँ क्या? आपको अभी हम मीरियां बनाना सिखा रहे हैं, मीरियां कैसे डलती हैं? अच्छा देखना कितना है, कितने फॉल लेने हैं, पल्लू छोटा ना हो जाए तो वहाँ से खड़े के बाद क्यों करेंगे? इधर है ना, नहीं या तो जैसे है ना हम भी बांधते हैं तो हम पहले यहाँ टक इन करके और फिर बड़ा जो पल्लू होता है उसको। अच्छा जितनी भी साड़ीज होती हैं, प्लीज एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, उनमें सब में ये मीरियां होती हैं? बिल्कुल जी। अच्छा साड़ी ये देखें, ये मैंने मेरी स्टिच साड़ी है, छह कम से कम, छह नहीं तो साढ़े छह तो पूरा मेरे लिए तो साढ़े छह छह और साढ़े छह। मतलब नई साड़ी खोली है तो ये देखिए कितनी पीस चाहिए। अगर बारी साड़ी का साइज क्या? अच्छा प्लीज मुझे जरा वैसी साड़ी का साइज क्या होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए? गज की साड़ी हो, साढ़े छह गज, और नई साड़ियों का सवा गज का अर्ज है तो छोटी ऊंची होती है, डेढ़ गज की चौड़ाई हो तो सही रहती है। डेढ़ गज खुदा के वास्ते की अब टाव को पहना रही हो साड़ी? नहीं नहीं थोड़े से मुझे नॉर्मल कुछ हील्स के साथ सवा गज पहने की होती है साड़ी। आगे आए और जरा बांध के एक तो खवातीन के साथ जो मैं बांधना सीख लूं उनसे, प्लीज। हाँ बताए बताए आप क्या करेंगे सीखे? हाँ हो गई। हाँ ओके, ये इतनी दूर कहाँ बंधेगी? अच्छा ओके, तो अंदर बिल्कुल सही सही बात के ओके। इस तरीके से ऐसे होती है, ठीक है, इस तरीके से मूव। ओके ओके ओके, नो नो नो, इट्स लुकिंग क्लिप तो नहीं है ना? ओके ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या करते हैं उसके बाद? ये ऐसा राउंड हो जाएगा फिर। लेकिन हमें मम्मी ने जब भी सिखाई ना कि ये वाला ये ऐसे आना चाहिए ऊपर, जैसे ये मेरा आया हुआ है। अरे हम लोगों को सिखा रहे हैं अब ये तुमने तुमने चल के भी दिखाना अब? नहीं नहीं चल के दिखाओ, ये नहीं ये नहीं बॉस, ये नहीं, एक मिनट एक मिनट, गिर जाएंगे फॉल निकल जाएंगे, फॉल गिर जाएंगे। अच्छा ये तो ब्लाउज है, ये क्या कर दिया आपने? बाया बनाड़ी की शोभा बिगाड़ा। सॉरी 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 सॉरी, कैसे अंबर ने कैसे पकड़ी? ये जहां आ रहा आपका ऐसे पीछे से फुल पीछे से, ये भी है अगर ये ब्लाउज पीस है ना तो वो दे दे। फॉल खाली मैंने लटकाए हुए, और आपकी साड़ी उतर गई भाई। ओ आपने पूरा कवर करना है तो ऐसे करना है, okay. आपने पल्लू को उठाना है तो आप यूं भी पकड़ सकते हैं, ओके ओके, और छोड़ना है तो छोड़। अच्छा देखिए सबसे अच्छा स्टाइल आपका, आप जरा आइएगा, आपके आगे जो पल्लू आ रहा है ना वो हमें समझा। हाँ देखिए, अच्छा आपने हमेशा साड़ी को ऐसे ही कैरी किया? जी बिल्कुल, हमेशा ऑलवेज आपने पूरा कवर करके, पूरा कवर करके, वो बहुत खूबसूरत लगता, बहुत अच्छा लगता। थोड़ा सा मुझे बताइए कि फॉल जो इन्होंने जिस तरह से बनाना सिखाई है इसी तरह से बनती है? नहीं,
नहीं जरा उसमें फर्क है, बहरहाल एंड रिजल्ट अगर सही है तो मैं समझती हूँ कि सही है, लेकिन जैसे क्या लेंथ की बात हो रही थी तो पहले जमाने में जो भारी साड़ियाँ होती थी वो 5.5 गज की आया करती थी, जो बनी बनाई साड़ियाँ ये बताएंगे जब, लेकिन आजकल उस जमाने में छोटे पल्लू का रिवाज था और अगर न्यू पलट के भी आते थे तो दांत में पकड़ लेती थी हीरोइने, तो वो पल्ला था कि नीचे ना गिरे दांत में, ये पल्लू करके यूं पकड़ लिया, यूं करके दांत में कि गिरे ना, पल्ला छोटा होता, साड़ी छोटी होती, 5.5 तो हाथ में पकड़ ले, दांत में क्यों पकड़ लिए, स्टाइल तो यही होगा ना, हीरोइन की बात कर रही हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ से आपने शुरू किया, इधर से शुरू, लेकिन वो तो बॉर्डर है, पीछे से घुमा के लाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे ऐसे, ओके ओके अच्छा आपने एक बात बताई कि साड़ी बेहुदा ड्रेसिंग भी हो सकती है और एक एलिगेंट अटायर भी हो सकता है, और वो उसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लेट्स मोरिया जो होती है उसका डिफरेंस होता है ना, कुछ लोग ऐसी उड़ा लेते हैं अंदर, नहीं नहीं चुप रहो जरा, रुक जाओ, आपने यहाँ से शुरू करी, आपने अभी शुरू की थी वो यहाँ से शुरू करी, अच्छा ओके, है ना, यहाँ से आप शुरू कीजिए, जो हम तो वो वाली साड़ी बता रहे हैं आपको जो हम खुद, ओके ठीक है, अच्छा इधर उसको लाओ कपड़े को, इधर लिया, अरे यार इधर तुम छोड़ दो, तुम इधर पीछे से यहाँ आपने कर लिया ना, अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे फर्श करो, यहाँ पे वो है ये, रुक जाओ, अब यहाँ पे, अब आपको अपने जिस्म का अंदाज़ा है कि आप दुबले हैं पतले हैं, और अगर साड़ी पहनने वाले हैं तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि अगर 6 गज की साड़ी है तो 5 ये प्लेटें भी कह लो, लोग प्लीट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो प्लीट्स भी होती हैं, तो वो कोई 5 होगी कोई 6 होंगी, डिपेंड करता है आप कितने दुबले हैं कितने मोटे हैं, ओके उसी हिसाब से, अच्छा तो जो जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए कम होंगी, नहीं हाँ जाहिर बात है, अगर साड़ी छोटी है, नहीं तो बड़ी साड़ी लो, ओके ओके 6 मीटर की साड़ी लीजिए, अच्छा मैं समझ रहा था कि आपने प्लीज की इसलिए बात की क्योंकि वो पूफ हो जाता है एकदम से और बड़ा लगेगा, नहीं 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 इसलिए होती है कि आप चलेंगे कैसे, अगर यूं ही आपने धबला करके बांध लिया तो फिर आप चलेंगे, जितनी प्लीट्स होती है ये प्लीट्स इसलिए होती है कि आपके यहाँ कदम उठाए, ठीक है, तो नॉर्मली 5 से 6 कम होना चाहिए, देखो अब सपोज कर लो कि पीछे बंधा हुआ इस तरह से, ये 1 2 3 4 बराबर भी करना होता है, जाहिर बात है वरना तो कंफर्म में लटके रहेंगे, अब ये देखिए ना 5 ये बिल्कुल बराबर आ गए, जरा कैमरा इसको क्लोज कर दीजिए, ये बहुत हसीन लग रही है, 5 प्लीट्स इसके अंदर डली हुई है, ये देखिए वाओ, अब इसको आपने यहाँ पे, अच्छा बिल्कुल बीच में ना करना क्योंकि हर एक का जो फेट होता है बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है ना, यहाँ पे होगा तो वो मजीद और आपकी वो एक प्रोट्रूजन सी हो जाएगी, जरा सी साइड पे रख, जरा सी साइड पे रखो इसको, समझिए आपने यूं करके फर्श कीजिए, उड़स लिया, ठीक है ठीक है, इसको पीछे से मैं लेके, और अपने कद के हिसाब से, जी जाहिर है जो अपने कद के हिसाब से, अब ये आपने फर्श की नहीं पकड़ा हुआ है, और ये ऊपर से ये इस तरह से ये आ गए, ये ब्लाउज का कपड़ा, ओह वाओ, ये वेरी गुड, और ये भी इधर भी आप तो लेंगी, हाँ यू यूं ले लो, अब आप नई साड़ी पहन कर जाएं, समझे ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, साड़ी के हवाले से कि अक्सर लोग ये करते हैं कि साड़ी को नीचे से ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके नीचे वो फॉल लगाना बहुत जरूरी होता है, उसकी वजह एक तो ये है कि नीचे से, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपका जो नीचे का हिस्सा है वो बाहों में आ सकता है और वो फट भी सकता है, okay. तो आप उसको एक, और दूसरी बात ये है अगर ज़रा भी हल्की साड़ी है
तो वो जरा सी हवा चली तो आप हरेरे हो गए, तो उसमें उस नीचे उसको भाज फॉल अच्छे उसको वजन देगी तो वो साड़ी नीचे रहेगी। तुम्हें कहीं जल्दी है जाने की क्या, तो खड़े रहो यहाँ पे, आजा मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। अच्छा एक छोटा छोटा सा एक ब्रेक लेना है और मैं कोशिश ये करूँगा कि हम लोग जब भी साड़ी पहने तो हम लोगों को अच्छी जो ये टिप्स दे रही हैं वो ऐसी टिप्स मिले, बिकॉज ऑनेस्टली साड़ी पहनना एक फन है और एक आर्ट है जी। एक और चीज़ साड़ी की जो मैं अक्सर लोगों में नोट की है, आजकल बहुत ऊंची हील पहनने का रिवाज हो गया है, तो बाज़ वक्त साड़ी के पन्ने छोटे हो जाते हैं। पन्ना आमतौर से यानी उसका अरस जो कहलाता है सवा गज का होता है आमतौर से, जो कि बनी बनाई साड़ियाँ होती हैं सवा गज की। अभी हमारे ये शंबर कह रही थी कि डेढ़ गज का अगर जॉर्जेट की वो हो तो वो शायद इसलिए कि आजकल हील्स जो है वो छः 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 इंच की पहनी जा रही है, तो वो किधर को जाएगा बेचारा कपड़ा। अच्छा अभी हम अभी अभी हम आपको अंबर की हील्स दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपका ही मजा आएगा। बड़ी हील्स के साथ वॉक कैसे करना साड़ी में ये आपको बताएंगे इस छोटे से एक ब्रेक। शिफॉन साड़ियाँ पसंद करती हूँ, बनारसी साड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, इंडियन साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जॉर्जेट की अच्छी लगती है, इससे पता चलता है कि कैसी लग रही है, सिंपल अच्छी लगती है।
आप लोगों को जो कार्ड्स मिले हैं ये आप लोग इनकी दुकान पर जा सकते हैं और ये आपको 99% ऑफ दे रहे हैं। तो 99% ऑफ के ये कार्ड्स हैं, 99% ऑफ है। दैट मींस कि अगर एक साड़ी 10 लाख रुपए की है तो आपको 1 लाख रुपए में मिल जाए। आइए कॉल लेते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साल भाई, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेन केम से एकदम सूचे अच्छा से। हाँ जी बिल्कुल ठीक छू। मैंने खाली इतनी बात बताओ कि तमारा काल नो प्रोग्राम तो बहुत सारो हतो अने आ रिपीट में जरूर हलावजो। एटला माटे कि आ प्रोग्राम ना माटे कि बधाई नी आंखो खुले, बधाई ने खबर पे कि शू हालत छे स्कूलों नी, खाली ए नथी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आई रियली अप्रिशिएट इट बिकॉज ऑनेस्टली हमने जो कल स्कूल के किया था, एक मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ हमारे प्रोग्राम के थ्रू। और वो क्रेडिट ये है कि जब हमने इसको शुरू किया था, इनिशिएट किया था, तो उस वक्त तक किसी ने इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। और उसके बाद कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको कॉल किया है और ये मसला जो है अब रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल जी, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। साहिल आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आप बताइए, आपको शो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा शो लग रहा है साहिल। मैं आपकी तारीफ दिल से करना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह किसी भी कामयाब होस्ट के पीछे एक टीम का हाथ होता है। बहुत शुक्रिया। तो आपकी टीम बहुत टैलेंटेड है, लेकिन साहिल आप, मैंने ये देखा, मैं हमेशा से आपका शो देखती हूँ, आप रेटिंग के लिए काम नहीं करते। जो बात सच होती है, हक की होती है, आप आवाज उठाते हैं। आपको रेटिंग की कोई परवाह नहीं है, जो सच होती है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आप। अल्लाह ताला ने आपको चुना है इस काम के लिए, चुना है अल्लाह ताला ने, आपको इज्जत दी है, आप उसको बिल्कुल मतलब ईमानदारी से निभा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे भी जहां तक रेटिंग की बात है तो वैसे तो हम काम नहीं करते हैं, लेकिन एक बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। नंबर्स मैटर करते हैं एट दी एंड, और नंबर इसलिए मैटर करते हैं बिकॉज जाहिर है चैनल होता है, उसमें टीम इन्वॉल्व होती है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व होती है। पिछले 4.5 महीनों से ये पाकिस्तान का नंबर वन शो है एंड दिस इज़ व्हाट वी बिलीव कि हमने काम सिर्फ एक मैंने काम नहीं किया, इसमें पूरी टीम है, पूरा चैनल है, उन सब की एफर्ट्स हैं और ये नंबर वन शो है। उसी की वजह से ये जो आप मसाइल जिनका रेजोल्यूशन आप देखते हैं, जिनके हल देखते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुंच जाती है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उसका नोटिस लेते हैं, अगर हमजा उसका नोटिस लेते हैं, या अगर शहबाज शरीफ उसका नोटिस लेते हैं, या गवर्नर सिंध उसका नोटिस लेते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान का ये नंबर वन शो है और पाकिस्तान की न्यूज़ का सबसे बड़ा नंबर वन चैनल इस समय। उसी के हवाले से ही अभी आपको कहा था सबसे पहले कि आपका शो आपका सिर्फ शो ही नहीं है, इट गिव्स अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को लेकर चलता भी है साथ साथ। और आप हमें ये नहीं कि हमें साड़ियों में देख रहे हैं कि आप देखें कि आपको कितनी नॉलेज मिली, आपने देखा कि आपको कितना ये करंट अफेयर्स के बारे में पता चला और क्या हमें करना चाहिए। हमें इस वक्त मुसलमानों को सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये सारा साहिर लोदी की वजह से हमें एक स्पिरिट और हम में ये एक चीज़ इन्फ्यूज़ होती है कि हम सब मिलकर चले आगे। अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। व्हाई डोंट यू टेक किरण प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग भी तो कोई काम करें ना। बिल्कुल करें। हेलो, वाले सलाम। हेलो, बात ही नहीं करेंगी ना जब तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ किरण। अंबर, आप लोग टंकी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा आपने? टंकी बहुत खूबसूरत लग रही है। सब बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरी भाई की दिसंबर में शादी है और मेरे पास ड्रेस अच्छा चाहिए, साड़ी पहनने को जरूर चाहिए। भाई को, भाई की तरफ से तोहफा दें मुझे आप। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इंतजार कीजिएगा, जरूर हम कल इसका ऐलान करेंगे कि किसको हमने 3 साड़ीज दी हैं, जरूर ऐलान करेंगे। अच्छा, सिर्फ कॉल्स हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, पीसीआर के अंदर भी ले रहे हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाई? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? साहिर भाई, मैं एक साल से आपकी कॉल लगा रही हूँ। साहिर भाई, मैं रो रो के थक गई हूँ, बैलेंस डलवा डलवा के। मेरे रो रो के बुरा हाल है। रो रो के बुरा हाल है आपका? वो हंस रही है। साहिर भाई, बहुत रोती हूँ मैं आपके शो के लिए, हर टाइम रोती हूँ। जरा रो, अच्छा जरा रो के दिखाइए अभी। और क्यों रोता है? साहिर भाई, बहुत रोती हूँ आपके शो के लिए, मैं इतना
एक और टेलीफोन कॉल है, नंबर आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अंबर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मैं गुजरांवाला से बोल रही हूँ, काफी देर से आप लोगों का नंबर मिला रही थी, बल्कि नंबर तो मिलता ही नहीं है और अगर कभी मिल जाए तो उठाते नहीं है। बस अब आप बात कीजिए, अब क्या कहना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं? आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरी ये फर्स्ट कॉल है किसी भी प्रोग्राम में। शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत। हाँ जी, सब बहुत अच्छे लग रहे हो और मैं चाहती हूँ कि जैसे साहिर भाई ने कल वो प्रोग्राम किया था फीसों के बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो है ना, जो आम पब्लिक जो है वो नहीं कर सकती, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो है ना आपके थ्रू होने चाहिए। बिल्कुल, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी तो मैंने कल उस प्रोग्राम के अंदर बात की थी। अच्छा, इसके बाद हम एक कॉल और लेंगे, फिर वो हील्स के बारे में हम बात करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन कल जो हमने प्रोग्राम किया था वो उन वालदैन के लिए किया था जो प्राइवेट स्कूल की फीसेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बहुत जल्दी मैं एक कैंपेन शुरू करने वाला हूँ, जो मैं उन वालदैन के लिए शुरू करने वाला हूँ जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बहुत जल्दी हम एक कैंपेन शुरू करेंगे। तालीम सबके लिए है, सबका हक है। और अगर मेरी बहन आप ये शो देख रही हैं, आपका बेटा अगर घर में इस वक्त बैठा हुआ है तो ये गलत है, या आपकी बेटी अगर घर में इस वक्त बैठी हुई है तो ये गलत है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता हूँ, प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता हूँ, चारों वज़राए आला और चारों गवर्नर्स के साथ सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि सर प्लीज़, हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जहाँ सुबह 8 बजे जब असेंबली हो तो पाकिस्तान का हर बच्चा और हर बच्ची स्कूल में हो, पाकिस्तान का हर बच्चा और हर बच्ची पढ़ सके, ये उसका राइट है, बुनियादी राइट है। yeah, yeah. और मैं इस बात को सेकंड करती हूँ और मैं कहती हूँ वाकई ये आपने बहुत अच्छी बात की है, और जो इतनी बड़ी हुई फीसें हैं उदारा उनके लिए प्लीज। लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ ना, जो कि ना गवर्नमेंट की बात माने तो इस पे एक शो होना चाहिए जहाँ पे आप एजुकेशन को बुलाएं जो कि डिफरेंट स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर्स रन कर रहे हैं, क्यों वो नहीं मान रहे, क्या उनके इतने ये तो इतना बड़ा बिजनेस है उनका, अब तो मान गए, अब तो मान गए, अच्छा इट्स ऑल बिजनेस। लेकिन एक एक एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह से जब शोज करेंगे, इसी तरह से आप लोग साथ आएंगे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि 8 बजे जब असेंबली लगेगी तो पाकिस्तान का हर बच्चा और हर बच्ची स्कूल के अंदर होगा और क्वालिटी एजुकेशन लेगा, और क्वालिटी एजुकेशन लेगा। एक टेलीफोन कॉल और है, उसके बाद हम हील्स पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं सीमा बात कर रही हूँ, यू आर ग्रेट सर भाई। थैंक यू सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर ग्रेट टू। सर भाई आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू, समा चैनल इज अ ग्रेट चैनल। यस, वेरी गुड। समा इज वेरी गुड, और अगर मुझे समा ने निकाल दिया मैं कहीं भी जाऊंगा तो वो भी ग्रेट हो जाएगा। ये चुपके से कहने वाली बात नहीं, नहीं ये बिल्कुल नहीं कहो, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैटर्स लेकर उठते हैं। unless I'm fired, I'm not going anywhere. If I'm fired, then you know, फिर मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ आप देख लीजिए, फिर उसको कहिएगा वो चैनल बहुत अच्छा है सर भाई, आप बहुत अच्छे। एनीवे, ये तो सारी बातें हैं जो हम बहुत मजाक में बहुत इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर माँ ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो चेंज लेके आएगी तो फिर चेंज आ जाती है। अगर आज मैं कोई चीज़ भी अच्छी करता हूँ तो उसमें 99% मेरी अम्मी की तरबियत का दखल है। सही बात। रीज़न इज बिकॉज शी वॉज द वन जो गर्मी, सर्दी, बारिश, गुर्बत, अमीरी, इन एवरी थिंग शी वॉज देयर। उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात समझाई थी कि बेटा आप ये सब कुछ कर लीजिएगा बट तालीम पहले ज़रूरी है। अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को मार कर मेरी माँ ने हम सबको तालीम दिलवाई। बहुत अच्छी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान को तब्दील होना है तो सबसे पहले माँ को, एक औरत को, एक बहन को, एक बेटी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान को कैसा देखना चाहती है। जैसा एक औरत पाकिस्तान को देखना चाहती है, यकीन जानिए पाकिस्तान वैसा बनेगा। जैसे साहिर एक बात, नेपोलियन ने कहा, इफ यू गिव मी गुड मदर्स आई कैन गिव यू अ गुड नेशन। हम मदर्स ही सही नहीं है, हम मदर्स ही अपना टीवी में, फैशनों में अपना अपने आप को हम लोगों ने डाल दिया और बच्चे फैशन वगैरह सब करें यार, हमारी तो रोजी है भाई। हमने फैशन सब करें, साथ-साथ सबकी साथ चलती है, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, हील्स पे आते हैं जी, हील्स पे अंबर जी जरा थोड़ी सी टिपें दें।
पहले तो अंबर की हील देख के चेक करें आप, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, साड़ी के फॉल्स लगाइए लगाइए, हाँ जी। ओह माय गॉड, हील में डांस कैसे होता है, और आपको आपको भाग भी सकते हैं, हील में भाग भी सब कुछ हाँ। कर सकते हैं हम हील में, और आप यहां से वहां यूं भी जा सकते हैं। सारे खैर वहां आ गई और हील में किक भी मार सकते हैं, और आपको ये पता चलेगा गुर्बत में सुबह सुबह मर्द कैसे डांस कर। आगे जी प्लीज बैठिए। अच्छा, और किसने हील पहनी हुई है यहाँ पे? सभी ने हील पहनी हुई है, सभी ने पहनी हुई है भाई, दिखाइए दिखाइए। अंबर की ज्यादा बड़ी है, अंबर की सबसे बड़ी है, अंबर की एक्चुअली आगे से भी चौड़ी है ना। आपने क्या पहना हुआ? नहीं, 6.5 इंच हील पहनी है। ओह माय, आप सर खड़े तो हूं, प्लीज आ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। वाओ, ब्रिलियंट यार। अच्छा, याद रखिएगा एक बहुत बड़ी टिप है, और टिप ये है कि जब भी आपने साड़ी को पहनना है तो सबसे पहले हील पहननी है, उसके बाद आपने साड़ी को बांधना है। सही है। वाजिबा, आपने क्या पहना हुआ पिंकी? फ्लैट फ्लैट फ्लैट। अच्छा, ये भी दिखाएं ना, दिखाएं इसे फ्लैट। नो, ये इधर आइए ना, फ्लैट भी दिखाएं यार, फ्लैट भी दिखाएं, क्यों नहीं। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल जी, वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। मिसेस खान ने तो खुद से पहने में, वेरी नाइस जी, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दें, क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर, ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। अच्छा किरण, यू हैव, वो भी दिखा दें आप, नॉर्मल हील्स हैं, नॉर्मल हील्स, 3.5 इंच वाली मेरी और किरण की, नॉर्मल हील्स। ओके, ये 6.5 इंच है, 6.5 इंच। हाउ डू यू, किसी को लगे तो सही लगे। आपने क्या पहना हुआ? मैंने तो चप्पल पहनी हुई है, क्योंकि मेरे पाँव में चोट लगी हुई है। ओह ओके, चप्पल पहनी हुई है, तो नॉर्मल चप्पल पहनी हुई। अच्छा, नॉर्मल जो हील का साइज होता है वो क्या होता है? 6.5 इंच या 3.5 ढाई, जरा छोटी होती है, 3.5 ही होती है, और फिर 5 है, और फिर 6.5। लेकिन मजा जो है वो 6। अच्छा, जिसे जिसे मजा 6 में है वो क्या होता है मजा? तो फिर हम 6 में है, अरे फिर तो हम 5.8 5.9 हो जाएंगे, मर्दों से भी बड़े। मुझे है ना, मुझे हील्स अट्रैक्ट करती है वाकई, क्योंकि शौक इतना देख कर, और मैं 3.5 इंच वाले जूते नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे लेडी गागा है वो इतने इतने पहनती है ना हील्स, वो फिर आगे से भी इतने मोटे होते हैं। बट आई एम जस्ट आस्किंग, क्या साड़ीज पे वो भी पहना जाता है? हाँ, क्यों नहीं पहन सकते? देखिए, साड़ी पे बेसिकली वैसे आपकी चप्पलें ढक जाती है, मसला यही होना चाहिए कि जब साड़ी ये पहने तो लंबा होना चाहिए, आपके पैर वैर ना दिखे, आप जब चल रहे तो ठीक है, इतनी सी हील देखिए। अच्छा, वेरी क्विकली आप सब साड़ी के बारे में एक टिप देंगे, 15 सेकंड, यू स्टार्ट विद यू महविश। साड़ी जब भी पहने कोशिश करें कि सिमट के रहें, और ये शो मत करें कि आप लड़खड़ाने वाले हैं या आप कंफ्यूज है कि आपने साड़ी पहनी हुई है, कॉन्फिडेंस से। 15 सेकंड, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, टाइम नहीं, वेरी क्विकली। साड़ी बड़ा एलिगेंट ड्रेस है, और उसमें इंसान एलिगेंट लगता है। जिनका वजन ज्यादा है वो भी साड़ी पहन सकते हैं आराम से, क्योंकि कम लगता है। अब मैं क्या बताऊं, साड़ी तो मैं पहनती हूं, और जैसे मैं लगती हूं अल्लाह करे सब लगे। साड़ी का फैशन सालों साल चलता है, तो प्लीज अपनी साड़ियां बर्बाद मत करें, उनको खूब इस्तेमाल करें, बाद में शलवार कमीज बना लीजिए। नहीं, मुझे लगता है, मुझे लगता है आप साड़ी में बहुत ज्यादा बड़े नजर आते हैं, तो कम कम पहने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपने आज का शो देखा, आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। साड़ी के बारे में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसलिए आपको अगर साड़ी अच्छी लगती है जरूर उसको पहने। आज हमने जो टिप्स दिए हैं उम्मीद है कि आपको काम आएंगी, लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि चार्ली हेब्डो के बारे में बात कीजिए। आज अगर आपने इस्लाम को, मुसलमानों को और इंसानियत को डिफेंड नहीं किया,
तो कल बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।